गुड मॉर्निंग एवरीवन किड्स, ईवीएस में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16, नेम है ग्रीन प्लांट्स। इस चैप्टर में आपको प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स के बारे में बताया गया है। इसमें आज हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि प्लांट्स और ट्रीज आप लोग हर जगह देखते हो अगल बगल में, और इसमें कुछ ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स छोटे भी होते हैं और कुछ बड़े, बहुत बड़े होते हैं। और इसमें बहुत सारे जैसे कांटेदार भी होते हैं, झाड़ीदार भी होते हैं, जो बहुत छोटे भी होते हैं, राइट। तो पहले हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में जानते हैं। जैसे लाइक दिस, इस पेज में जैसे आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये कितना बड़ा ट्री है, बनियान का ट्री है, जी मैंगो ट्री है, नेक्स्ट है कोकोनट ट्री है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो होते तो हैं ट्रीज से छोटे, लेकिन उनके जो स्टेम है वो बहुत हार्ड होता है और वो प्लांट ट्रीज से बहुत छोटे होते हैं। और उसके बाद आते हैं बिल्कुल छोटे प्लांट्स जिनके जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनके लीव्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्टेम भी सॉफ्ट होती है। तो इन इनमें से कुछ प्लांट्स को हम मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे इसमें ग्रास, ये जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर होते हैं, ग्रास, मिंट, कोरिएंडर, और इसमें तुलसी भी आती है। जैसे कि सबको पता है घर में हम लोग तुलसी यूज करते हैं, राइट। और नेक्स्ट है इसमें फिर कुछ प्लांट्स बहुत वीक होते हैं, है ना, तो जैसे वो अपने आप स्टैंड नहीं हो सकते हैं, उनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा घरों में अक्सर मनी प्लांट को लोग स्टिक की सपोर्ट से बड़ा करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। और एक इसी तरह के वीक प्लांट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रीपर्स। इसमें क्या अंतर है, जो क्रीपर्स होते हैं वो सिर्फ ग्राउंड पे ही होते हैं, जमीन पे होते हैं, ठीक है। और बट आपको पता ही है कि प्लांट से हमें और भी बहुत कुछ मिलता है, ग्रीन्स, है ना, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट। तो अब हम लोग इस चैप्टर से डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे ताकि आपको चैप्टर समझ में आ सके, और चैप्टर के बाद जो हम लोग नेम टू क्वेश्चन से ये सब करते हैं वो सब भी समझ में अच्छे से आ सके। स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स नंबर 1, BUSHY, बुशी। बुश होता है झाड़ी, है ना, तो बुशी मीन्स झाड़ीदार जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं बुश। नेक्स्ट है THORNY, थॉर्न। थॉर्न होता है कांटा, कुछ पेड़ पौधे कुछ प्लांट्स में थॉर्न होते हैं ना, कांटे वाले होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थॉर्नी प्लांट्स। नंबर 3, BRANCHES, ब्रांचेस। ब्रांच क्या होती है बेटा, जो ट्री की, पेड़ की जो डाली होती है, जो डाल होती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो पेड़ में एक ब्रांच तो नहीं होती है, है ना, एक से ज्यादा होती है, तो ब्रांचेस। नेक्स्ट है नंबर 4, SHRUB, श्रब। श्रब जो अभी हमने मैंने आपको बताया, श्रब क्या होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं जिसका स्टेम जो होता है हार्ड होता है, जो ट्री से छोटे होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, STEM, स्टेम होता है, पेड़ का जो तना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। नेक्स्ट है नंबर 6, ग्राउंड।
जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड मीन्स जमीन। नंबर 7, HERBS, हर्ब्स। ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं, बिल्कुल जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर होते हैं, और इनके लीव्स और स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी। नेक्स्ट है नंबर 8, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स नरम, मुलायम। नंबर 9 में CLIMB, क्लाइम। क्लाइम मीन्स चढ़ना। और नेक्स्ट है बेटा क्लाइंबर, CLIMBER। क्लाइंबर क्या होता है, एक तरह की बेल होती है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मनी प्लांट है ना, जो बहुत वीक प्लांट होते हैं, उन्हें बड़ा करने के लिए हम लोग किसी सपोर्ट की उसे जरूरत पड़ती है, जैसे किसी चीज से बांध के हम लोग ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर, क्रीपर भी एक तरह की बेल ही होती है, लेकिन ये ग्राउंड पर होती है। नेक्स्ट है नंबर 12 और लास्ट में USEFUL, यूजफुल। यूजफुल मीन्स उपयोगी, राइट। तो ये आपके इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड से, इसको सबसे पहले अपनी ईवीएस कॉपी में राइट करना है और उसके बाद इनको लर्न करना है, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ सके। तो इसमें कुछ भी कोई भी जो स्पेलिंग है, ये वर्ड है, कोई टफ नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे।